आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन है कि फ्यू जनरल नेम्स आर गिवन अलोंग विद देयर वैलेंस शैल कॉन्फिगरेशन मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो ऑप्शन ए वी हैव ns2 np6 तो देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ और सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो कंप्लीटली फिल्ड शैल है तो कंप्लीट फिल होने के कारण यहाँ पर ये नोबल गैस होंगे यानी कि बिहेव करेगी एज इनर्ट गैसेस। और यही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेसिकली ग्रुप नंबर 18 के लिए तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिक्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू एट और जिससे ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा एट प्लस टेन एटीन तो ये चीज सही है लिखा हुआ है एन एस टू प्लस एन एस टू एन पी फाइव दोनों को मिलाकर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे वो कितने आने वाले हैं इलेक्ट्रॉन और जो हेलोजन फैमिली होती है वो बिलोंग करती है टू ग्रुप नंबर 17 तो ग्रुप नंबर सेवनटीन है तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बेसिकली सेवनटीन माइनस टेन यानी कि यहाँ भी कितने आते हैं वैलेंस आते हैं यानी कि और एक इलेक्ट्रॉन गेन कर कर ये भी स्टेबिलिटी अचीव करेंगे तो बेसिकली ग्रुप 16 के एलिमेंट होते हैं जिनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक हेलोजनलीफिग्रेशन ही होती है एनएस टू एन पी फाइव एलक्ली मेटल्स बेसिकली ग्रुप वन के एलिमेंट होते हैं या फिर हम कहें एस ब्लॉक का पार्ट है वो तो ये भी सही है एलक्ली मेटल्स के लिए सही है फिर है एनएस टू एनपी टू तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली ये होती है फोर्टीन ग्रुप के लिए फोर्टीन ग्रुप कैसे आए एन एस दो और एनपी दो तो दो और दो चार इलेक्ट्रॉन तो चार प्लस दस कितना हो जाएगा फोर्टीन तो इस तरीके से फोर्टीन ग्रुप निकल गया लेकिन जो कैल्कोजेन्स होते हैं ये होती है भाई ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली होती है ग्रुप नंबर सिक्सटीन में तो जो ग्रुप नंबर है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या होगी एन एस टू एन पी फोर ना कि एन एस टू एन पी टू एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ns2 टू टू ये बेसिकली होता कार्बन के लिए तो कार्बन में होता है हमारे पास टू एस टू एंड टू पी